जय सोमनाथ। राम राम किसान साथियों, मैं प्रभात कुमावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सोमनाथ क्रॉप फेयर में। मैं पहुंचा हूं आज रतलाम जिले के गांव पलदुना में। यहां पर हमारे साथ में हमारे उत्कृष्ट किसान जो लगातार 2 वर्ष से सोमनाथ क्रॉप फेयर के उत्पादों का उपयोग भी कर रहे हैं, तो आइए इस वर्ष उनको उन उत्पादों का क्या क्या परिणाम मिला और उनको उनकी फसल में क्या परिणाम देखने को क्या परिवर्तन देखने को मिला है। नमस्ते भैया। नमस्कार। आपका शुभ नाम? रमालाल धाकड़। गांव पलदुना। मोबाइल नंबर? 9669882362। आपने अपने सोयाबीन की फसल की बोनी कितने तारीख को की थी? 1 जुलाई। 1 जुलाई को। उसके बाद आपने अपनी फसल में कौन सा स्प्रे किया था पहला कीट वगैरह के लिए? कीट के लिए मैंने किया था सीकर। सीकर, तो सीकर का क्या परिणाम रहा उसमें? सीकर को मैंने किया था 24 तारीख के लगभग। 24 जुलाई के लगभग का उपयोग किया, तो उसका क्या परिणाम देखने को मिला? मेरे को रिंग कटर में काफ़ी सुधार आया। उसके बाद मेरे को रिंग कटर दिखने को नहीं मिली। और दूसरा स्प्रे मैंने लगभग 15 अगस्त तक लगभग किया था। 15 अगस्त को लगभग आपने दूसरा स्प्रे किया था, तो उसमें सोमनाथ क्रॉप फेयर के कौन कौन से उत्पाद आपने चयन किया? सिक्सर प्लस सीकर, उसके साथ बुल्टर डाला था मैंने। मतलब पहली बार बुल्टर मैंने पहली बार डाला। सिक्सर प्लस सीकर और बुल्टर प्लस का उपयोग किया था, तो बुल्टर प्लस का उसका क्या परिणाम देखने को मिला फसल में? दाने भी एकदम जल्दी भरा गए और जो फूल थे वो एकदम कर में कन्वर्ट हो गए और हाइट जहीं की जहीं रुक गई और काफ़ी ऊपर तक मात्रा में इनमें फरियो हैं। मतलब किसान साथियों, आप देख सकते हैं कि बोल्टर प्लस के उपयोग करने के बाद भैया की फसल में फलियों की संख्या बढ़ी है और ये फुटन भी बहुत अधिक निकली है। जैसे इस प्रकार के तने पर ये इस प्रकार की शाखा है उस पर भी फलियों की संख्या बढ़ी है और जहाँ पर फूल आने थे और जहाँ फलियाँ बननी थी वहाँ पर भी फुटन देकर ये फलियाँ बनाने की शक्ति रखता है। काफ़ी अच्छा परिणाम है और सभी पौधे इनके इसी प्रकार है कि ऊपर तक ऊपरी हिस्से तक पौधे में फलियाँ लगी है। ये देखो टोटल ये सभी पौधे इसी तरह इनके पूरे खेत में है, पूरी फसल इसी तरह बनी हुई है कि ऊपरी हिस्से तक पौधे हैं। 24 बीघा में नहीं छंटा। कितने बीघा में उपयोग किया आपने? 24 बीघा। 24 बीघा में सभी जगह यही स्थिति है आपकी? सभी जगह यही स्थिति है। और एक जगह आपका घर चला गया तो मजदूरों ने क्या किया कि पानी डाल दिया अलग से इस तुमड़े से उस तुमड़े में, तो एक ब्राउन में उसके थोड़ा रिजल्ट बिल्कुल कम ही निकले। उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिला जैसे कि जैसे चलते और उसमें फरे भी कम है और कर भी नहीं बने, फूल ही रह गए हम और फरी के दाने भी नहीं भराए। तो किसान साथियों की जहाँ पर बोल्टर प्लस का उपयोग हुआ है वहाँ पर अभी फलियों की संख्या भी ज़्यादा है और फलियों के अंदर अभी दानों का आगमन हो चुका है और जहाँ पर बोल्टर प्लस का स्प्रे इनका रह गया था उस जगह पर फलियाँ भी कम है और उसके अंदर अभी दाने आए नहीं है फलियों के अंदर और यहाँ पर सभी इनकी फलियाँ जो है पूरी एक समान है और हाइट भी ज़्यादा होगी जहाँ नहीं डाला वहाँ पे और उनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ पर इनकी हाइट व्यवस्थित हो चुकी है और फलियाँ पूरी पर्याप्त मात्रा में। तो बोल्टर प्लस का यही परिणाम है कि आप भी अगर अपनी फसल में उपयोग करते हैं तो इसका परिणाम आपको अपने उत्पादन में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। एक बात और कहना चाहूँगा मैं, समय की अलग इसके डालने के बाद डालने के बाद आपको फसल में अलग चमक दिखेगी, ग्रीनेस अलग दिखती है फलियों की, बिल्कुल कालापन हो गया और फलियां सभी एक समान हो जाती। 4 दाने वाली बनी है पूरी, ये देखो काफी मात्रा में 4 दाने वाली, 4 दाने वाली फलियां भी बनी हुई है ऊपरी हिस्से में पौधे के, देख सकते हैं आप वो 4 दाने वाली। मतलब बोल्टर प्लस का उपयोग होने के बाद आपकी फसल में कहीं ना कहीं इस चीज का उत्पादन बढ़ना भी है और काफी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। धन्यवाद। जय सोमनाथ।